Sultan Comedy YouTube channel. youtube.com/Farsi Network. Farsi Network, here the Kailan. Swasti Sri Mahamahim Modi Dada ko sewa ma namaskar. आगे यता उता का नातेदार पड़ोसी पल्ला घरे बेगम भाउजू ओल्ला घरे शरीफ अंकल माथा घरे जीपिंग काका उता घरे वंशुक भाई खोलापारी का मुन मामा लगायत सबको सम्झना एवं प्यार। अचानक मोदी दादा ने हल्का हल्का दादागिरी देखा के हमारा घर में आने गोरेटो में तगारो लगा के बाटो थुन के बोलचाल बंद करके गुमनाम थचियो कले यो खत लेख्नु परेको है। पोहोर साल हाम्रोमा आउँदा त दादा ने बहुत उल्का किया था, कनी कुथी हाम्रै भाषामा भाषण गर्ने से हम खुशी से दंग परेका था। दादा ने सड़क सड़क में हमको गमलनमै अगालो हालेर छातीमै टाँसा था। ओल्ला गाउँ पल्ला गाउँ पुगेर पनि हमारा खूब प्रशंसा गर्नुभएका था, हामीले दादा को जय जयकार गरेको था। दादाले दिलैदेखि हामीलाई प्यार किया होला भनेको त दादाले त नाटक गर्नुभएको रहेछ भन्ने लागेर आज हामीको बहुत दुःख लागेको है। यसमा आपका क्या विचार है? हामीलाई हाम्रो छिमेकी चौडा छातीवाला मन पर्दा है। हाम्रो छिमेकीलाई कसैले गाली गरेगा तो हमको अच्छा नै लगेगा, परन्तु आप तो सबैसे गाली खाने काम मात्रै करता है। कभी ओल्ला घरे अन्तरे को अत्याउता है, कभी पल्ला घरे जनतरे को तर्सता है, कभी कसैलाई घुर्चता है, कभी कसैलाई छिर्के लगाता है, कसैलाई कुइनाले हिर्काउता है, कसैलाई गुलेली ताकता है। त्यति साह्रै गर्नु त अच्छा नै होता है न दादा। दादा को अरु कुरा हामीलाई राम्रो लगता है। दादा को भाषण दादा को व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन हाम्रो घर परिवार में धूर पस्कर खटन पटन गरेको हमको नै मन लगता है। हमारा घर में छिरकर फलानु छोरालाई गोरी खेत दिए, फलानुलाई फलानु ठाउँको बारी दिए, जेठी छोरीलाई दाइजो दिए, माइलीलाई नोरे भनकर हाम्रो पारिवारिक मामलामा दखल गर्न क्या अच्छा बात है दादा? हम आपको घरमा घुसेर ऐसे बात गर्यौं भने आपको कस्तो लगेगा बताइए? आपले जे जे भन्ताए त्यही त हामीले मान्नै पर्ने भन्ने कुन किताबले लिखाए? आप त छिमेकी भए मालिक नै है तेसीमा बुढा। यो गाली होइन, तेसीमा का मतलब त्यही सीमा भनेको लिपुलेको कुरा। हामी चाहन्छौ हाम्रा छिमेकी स्ट्रङ हो लेकिन इमानदार भी हो, संसारभरि उसको नाम चलोस् लेकिन दुर्नाम नै चलोस्, सहयोगी होस् कपटी नै होस्, हाट बजार जाने बाटो नै थुनोस्, सिमानाको भित्तो नै ताचोस्, आफ्नो आली अग्लो पारेर अरूको खेत नै डुबाओस्, आवश्यक पर्ने पर छिमेकीहरूका लागि आवाज उठाओस्। छिमेकी साथीभाइ भनेको मर्दाको मलामी बिहेको जन्ती हुन पर्ताए। पड़ोसी भएपछि एकअर्काको घरमा नुन बेसार तेल चामल ऐंचो पैंचो गर्न सकिदा है, किनबेच सटापटा गर्न सकिदा है, छोराछोरीका बिहेबारी पनि गर्न सकिदा है, रोटी बेटीका नाता भनेको यही त है। लेकिन त्यसो भन्दैमा घर जुवाईलाई छोरो बनाएर अंशै दे भनेर दबाब दिन त नै मिल्दा है दादा। सल्लाह सहयोग गर्ने बानामा पड़ोसीको घरमा घुसकर गरगहना भात भान्सा बाकस आलमारी दाउराका हार पानीका गाग्रा मकैका झुत्ता बारीका फलफुल और सागपाततिर आँखा लगना तो अच्छा बात नहीं है दादा। छिमेकी भएपछि सरसल्लाह देना तो ठीक है, लेकिन सल्लाह मानेन भनेर मुर्की उज्याउनु तो बुरी बात है दादा। तलबै दिएर दादालाई सल्लाहकारमा हामीले नियुक्त किया तो नहीं है क्या रे दादाजी? केही दिन से हमें एक बात बहुत अचम्म लग रहा है, यसपालि हाम्रा नेताहरूले आपका सल्लाह नमानेको साँच्चै हो दादा? आपका दबाब नमानी आफैले संविधान जारी गरेकै है?
पत्याउने बहुत मुश्किल होता है, सपना जैसा लग रहा है। दूसरा बात, अभी अभी आपने नाकाबंदी जो खोल्नु भएको है के कुनै शर्त सहमति नभइकन खोल्या है त? इसमें भी मलाई त शंका लाग्दा है कि नहीं है? अंत में दादालाई सबके साथ मित्रवत संबंध के लिए हाथ बढ़ाउन हार्दिक अनुरोध। ए साँची, हार्दिक भन्दा हार्दिक पटेल का याद आए। दादाकै फ्ल्याटमै रहने वाले 22 वर्ष छिटो ने मोदी दादा को हाराबारा खेलाकर फनफनी रिंगटा लगाया रे, हैन दादा? सुनाए पछि दादा ने उसलाई पकड़ के जेल पठाया। दादाकै घर भित्र पनि कहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कति ठाउँ अशांति है, गरीबी है, पक्षपात है, रक्तपात है, विद्रोह है, दंगा है, हिंसा है, कति परिवारकै मान्छेहरु दिनदिनै मर रहा है कि नहीं है? घर भित्र यी सबैलाई चित्त बुझाउन सकेको नहीं है, आप सब छिमेकीहरुलाई त लगाउन खोज्ता है, तब मुश्किल तो पड़ता ही है ना दादा। गुस्सा आकर कुनै दिन छिमेकीहरु मिलकर उल्टै आपको घेराबंदी करे, दादा का व्यापार को नाकाबंदी करे भने आपको भी तो अप्ठ्यारो होगा। विचार करिए दादा, सोचिए। अंत में हम आपको मन को कुरा बताता हूँ कि छिमेकी में सबैले सबैको सम्मान गरेर बस्ना पड़ेगा है। केही समस्या आएगा तो कहिले तपाईका घर को आंगन में, कहिले हमारा घर को पीढ़ी में गुंद्री बिछा के पलटी कसकर छलफल करेंगे, कहिले दाल रोटी खाँदै, कहिले मकई भटमास और गुंद्रुक को अचार खाँदै बात करेंगे। ऐसे करना ठीक है कि नहीं है दादाजी? हमारा मन का बात आपको कैसा लगा? बुरी लगी तो लगी, मैं सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय नेपाल। सुल्तान कॉमेडी यूट्यूब चैनल youtube.com/farsinetwork फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि।